प्राचीन काल की मोहर लगी सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जमीन से बरामद किया गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को शहर के एक कोने में गड़ा खजाना मिला है। क्या पता ये खबर सच्ची है या सिर्फ एक अफवाह है। ये अखबार वाले कभी कभी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें छाप देते हैं। काश कि हमें भी ऐसा कोई गड़ा खजाना मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिंदगी भर बैठ कर खाएंगे। लेकिन अभी आपको काम पर जाना है और देखिए 8 बज चुके हैं। अरे बाप रे, मुझे ऑफिस पहुंचना है। खजाने के पीछे पागल क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि उस खजाने से दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं। लेकिन हमारे बड़ों ने सिखाया है कि पैसा हर बुराई की जड़ होती है, इसीलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। पैसा सबको लालची बनाता है। सही कहा। हमें पैसों की क्या जरूरत भाई। हाँ, लेकिन इनकी पैसों की परेशानी दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो क्या? सोचना पड़ेगा। ये क्या, तुम तीनों यहाँ पर बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हथौड़ी, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? देखा मम्मी को हमारी कितनी फिक्र है। नहीं देखा। हमें किसी तरह मम्मा की परेशानी दूर करनी होगी, लेकिन कैसे समझ में नहीं आ रहा। यूमिको, क्या तुमने वो खजाने वाली खबर सुनी? हाँ, मेरे पापा उस बारे में बात कर रहे थे। मम्मी, मैं आ गया। शिशिमानो, ये तुम्हारे मुंह में क्या है? ये तो कोई नक्शों का सुराग है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ से मिला। एक तो। इसके मुताबिक 4 कदम पीछे लेने हैं, यानी कि वो खजाना यहाँ है। हाँ, खजाना यहाँ है। हाँ, सोने का सिक्का। मम्मी, मुझे सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का। बेटा, जरा भूल जाओ उन सब बातों को। क्या कहा? सोने का सिक्का कहाँ से मिला ये तुम्हें? हाँ, यहाँ पर खुदाई करके मिला मम्मी। हाँ, यहाँ से मिला। तुम्हें क्या मिला? काका, क्या मिला? कुछ नहीं, ऐसे बढ़िया मौसम में चैन मिला। ये असली सोने का तो है ना मम्मी? रुको, पहले मुझे ये अखबार की खबर ठीक से पढ़ने दो। इसमें लिखा है कि अगर आपको अपने घर में कोई गढ़ा खजाना मिलता है तो वो सरकार की संपत्ति है, इसलिए तुरंत खबर करें। हाँ, तो क्या हमें किसी को बताना नहीं चाहिए? खजाने की खबर ना देने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अच्छा बेटा, पहले तसल्ली तो कर लेते हैं कि ये सोना असली है या नहीं। हाँ, अब वो सिक्का मेरे जेब में ही था, कहाँ गया? हाँ? हथौड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केनिची बेटा, हथौड़ी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, वो तो अपने घर का है ना। वैसे भी हमें तो सब मालूम है। हथौड़ी कहता है कि अपनों से कुछ नहीं छुपाते। मैंने कहाँ कुछ छुपाया? हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे जेब में सोने का सिक्का है। अरे, हथौड़ी कहाँ गया? तुम फिक्र मत करो, हथौड़ी आस पास ही है। आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? ये कौन बोला मेरे सामने तो? ये क्या हो रहा है? निंजा शहर में ये क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में कोई चोरी हुई है सर? आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो बच्चे? क्योंकि आज खजाने की खबर छपी है। मैं जरा तुम्हें देख के बताता हूँ। मैंने इन्हीं बातों में इसलिए उठाया है ताकि केनिची यहाँ से निकल पाए। जल्दी करो केनिची। हमारे पास ऐसी तो कोई खबर नहीं है। हाँ, वैसे पिछले साल। ओए केनिची, बताओ इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। मैं भला क्यों झूठ बोलूँगा? तो तुम अपनी जेब में क्या छुपा रहे हो, बताओ मुझे। कुछ भी तो अच्छा, नहीं। कुछ भी नहीं? रुको। ओ, सोने का सिक्का? ये तुम्हारी नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगा। किधर गया? दिखाता हूँ किधर गया। उठा लिया। चोर कहीं के? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक सिक्का नहीं संभाल सके तुम? मुझे माफ कर दो केनिची। मालूम है कि उसकी क्या कीमत है? मुझे नहीं मालूम। केनिची, मामा, मैं आ गया। कहाँ है वो सिक्का, दिखाओ मुझे। जरा मैं भी तो देखूं कि वो सिक्का दिखता कैसा है। वो सिक्का खो गया।
शिंजो ने कहीं खो दिया। अरे ये क्या, शिंजो ने वो सोने का सिक्का खो दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अमारा की थी। शुक्र करो कि मैं वहाँ पर सही वक्त पर पहुँच गया, वरना वो अमारा सोने का सिक्का लेकर भागने ही वाला था और इससे केनिची का नुकसान होता। तो क्या वो सिक्का तुम्हारे पास है? हाँ, और अब मैं वो एक खत के साथ मम्मी को लौटाने वाला हूँ, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये खत और ये सिक्का मैंने दिया है। चूहा, छत से चूहा गिरा। वो एक कागज की पुड़िया छोड़ गया है, जरा देखता हूँ। हाँ, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। आ, अरे ये तो खाली सोना है। इसमें कुछ लिखा भी है, जिसे मिलेगा उसी का होगा। देखिए, मुझे लगता है ये काम जरूर किसी अपने का है जिसे हमारी बहुत फिक्र है। कौन हो सकता है? हाँ मम्मी, कहीं वो हथौड़ी तो नहीं? हाँ, हथौड़ी का ही काम है। हथौड़ी जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। ये केनिची का मुंह कभी बंद नहीं रह सकता क्या? जब भी मुंह खोलता है मेरी शामत आ जाती है, हमेशा ऐसा ही करता है। लगता है इसकी भलाई करते करते कहीं मेरी टांग न टूट जाए।